आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, आज बेहद पावन तिथि है, आज महिलाओं के अखंड सुहाग और सौभाग्य के पर्व का दिन है। आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस व्रत से महिलाओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनका कल्याण होता है। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा और योग्य वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत का संबंध भगवान शिव और पार्वती जी से है। इस अवसर पर रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। सदियों से इसकी परंपरा चली आ रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं और बालिकाएं ये व्रत रखती आ रही हैं। देश और दुनिया में जगह जगह हरतालिका तीज का उत्सव देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं आज के दिन गौरी शंकर की पूजा आराधना कर रही हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज बाबा महाकाल का खास अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। उज्जैन में महाकाल के धाम में भी हरतालिका तीज की रौनक देखी गई। महाकाल मंदिर में भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार हुआ, आधा स्वरूप शिव और आधा स्वरूप शक्ति यानी माता पार्वती। अर्धनारीश्वर रूप में महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ और बड़ी संख्या में भक्तों ने इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। बाद में महाकाल की भव्य आरती हुई। भस्म आरती में महाकाल के दरबार की रौनक देखने लायक थी। तो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में इस अवसर पर पूजा के लिए पहुंची महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। वहीं प्रयागराज में संगम पर आज के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने डुबकी लगाई। आज महादेव महाकाल का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है शिव शक्ति का और बहुत अच्छा लगा है अर्धनारी शक्ति का। हम यही कामना करते कि सबको सुख शांति दे, सबका मंगल हो और बहुत अच्छा लगा आज इनका दर्शन करके हमको महाकालेश्वर का। 12 बजे से कंटिन्यूसली लाइन में लग के अभी आए हैं यहाँ पर और आज हमारा हरतालिका तीज का व्रत है, मैं और मेरी बहन दोनों लोगों का, मेरी बड़ी बहन है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, मन प्रसन्न हो गया। अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए सच में। हर हर महादेव। हम लोग पति पत्नी दोनों आज तीज के अवसर पे यहाँ पे आए हैं गंगा स्नान करने और गंगा दर्शन करने के लिए। क्या क्या किया यहाँ? स्नान किया है, पूजा पाठ किया है, जो है कि यहाँ पे दूध वूध चढ़ाने का वो होती है, मान्यता होती है, वो किया गया है। हम लोग तीज का व्रत रखे हुए हैं और क्या कहते हैं कि हर औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखती हैं। अच्छा, क्या क्या किया जाता है इस व्रत में, किस तरह से श्रृंगार किया जाता है? इसमें शंकर भगवान और गौरा पार्वती माता का पूजा किया जाता है और पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है, जिसके वजह से भाई सब औरतों को रहना चाहिए पति के लिए अपने, ये औरतों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। हर सौभाग्य स्त्री को ये प्रदान हो व्रत, बहुत अच्छा व्रत होता है, साल भर में एक बार आता है, इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता, दिन भर दूसरे दिन इसका पारण होता है। गंगा मैया का स्नान बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम यहाँ स्नान करने आए हैं अपने हस्बैंड के साथ। इसमें 16 श्रृंगार होते हैं, जितने भी श्रृंगार करिए इसमें सारे श्रृंगार होते हैं, चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी आलता नाखूनी मेहंदी, ये सारी चीज़ें इसमें 16 श्रृंगार इसमें श्रृंगार का बहुत महत्व है। हर सुहागिन स्त्री को ये सौभाग्य प्राप्त हो। आज इनके पूजा भी की है हम लोग। आज तीज का त्योहार कैसे उल्लास से मना रहे हैं? क्या मानता, कितने सालों से मनाते हैं आप? हम लोग तो बहुत दिनों से शादी भी करते हैं। क्या क्या तैयारी कर रखा है आज? क्या तैयारी, यही जो श्रृंगार का सामान होता है, गौरी पूजन होता है जी, हम लोग अपना जोड़ा बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से, भोलेनाथ से, यही होता है। आज आपने भोलेनाथ से क्या मांगा, क्या कैसे क्या करा है? हम लोग अपना सुख समृद्धि, अपना स्वास्थ्य के लिए जो भी हो अपना वर मांगे हम लोग। तो आज अपने स्पेशल शो में हम आपको जगह जगह हरतालिका तीज की छटा तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पर्व की महिमा भी हम आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है, आज हरतालिका तीज का पर्व है, तो पहले वान्या आर्या जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज के दिन शिव और पार्वती की पूजा क्यों की जाती है। धन्यवाद गीतिका जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही शुभ है और खास तौर पे सुहागन महिलाओं के लिए तो ये आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा की जाती है, ये जो व्रत रखा जाता है
ये हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, ताकि आपका हस्बैंड जो है, आपका रिलेशनशिप जो है जिंदगी में वो बहुत अच्छा हो, हस्बैंड की लाइफ जो है एक लंबी लाइफ उसको मिले, और एक आपके बीच में जो भी प्यार है वो और ज्यादा एक लव इंडिग्रेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आज का दिन बहुत ही खास है, उदयतिथि की वजह से जो है इसको मनाया जाएगा। इसका मैं टाइम बता देती हूँ, 5 सितंबर 12:21 PM से 6 सितंबर 3:21 PM, 3:21 तक ये जो है। और ये जो व्रत होता है ये निर्जला व्रत होता है, और जिन लोगों के भी मेडिकल कंडीशंस नहीं अलाउ करती हैं, आप लोग डेफिनेटली अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही ये व्रत रखें, अदरवाइज आप फलाहार भी कर सकते हैं। ईश्वर जो होता है हमारी आस्था को देखता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत आता है। आज के दिन महिलाएं जो है श्रृंगार जरूर करें, श्रृंगार की आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज के दिन आपको मेहंदी जरूर लगानी है, मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहते हैं कि मेहंदी के बिना कोई भी श्रृंगार जो है वो पूरा नहीं होता है। आज के दिन आपको माता पार्वती को श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो भी चढ़ानी है, आप पूरा श्रृंगार चढ़ाइए, पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाइए। और इसके अलावा जो है आज के दिन आप मिट्टी के जो है शिव पार्वती और गणेश जी भी जो है आज के दिन आप बना सकते हैं। आज के दिन आप एक बहुत खास काम जो है जो आप आज के दिन करना है, आज के दिन आपको माता पार्वती को बिछुए जरूर अर्पित करने हैं। बिछुए जिसे इंग्लिश में हम टो रिंग भी कहते हैं, तो टो रिंग्स जो है आप वो आज माता पार्वती को देनी है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में गुड लक लाता है। और आज के दिन जो है आप पूरा जो है एक मंडप सजाएं, केले के पत्ते से जो इसका मंडप होता है वो केले के पत्ते से सजता है, केले के पत्ते से जब आप ये मंडप सजाएंगे उसमें जो है आप मिट्टी के जो है गौरी शंकर गणेश जो है आप वहां पर बना सकते हैं, शिव पार्वती जी के विवाह की जो है पूरी कथा जो है सुन सकते हैं। जो लोग भी कहते हैं ना कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उनके लिए इस व्रत से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आज के दिन आप लोग जरूर व्रत रखें और माता पार्वती से आप अपने जीवन में एक अच्छा वर जो है वो आपके आज के दिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। माँ से आप आज के दिन अपने अच्छे वर को मांगे कि एक अच्छा वर हमारे जीवन में आए जो हमारी लाइफ लॉन्ग हमारा ध्यान रखे, केयर रखे, हमारी अच्छी मैरिड लाइफ हो। तो ये सारी चीजें जो है आज के दिन आप ध्यान रखें, और रात भर आप भजन कर सकते हैं, निर्जला व्रत होता है, इसका पारण जो है जी माना जी। तो आज का दिन जो है उसमें जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं, जैसा कि वान्या जी ने बताया। वान्या जी लौटूंगे आपके पास, तो रुक करना चाहते हैं संजय शर्मा जी का। संजय जी, आज का जो अवसर है, कौन से शुभ संयोग आज बन रहे हैं, और खासकर कि आज जो है रवि योग बन रहा है, तो उसके बारे में हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को हरित तालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि हरित तालिका का अर्थ क्या होता है, ये भी समझ लेना बहुत जरूरत है, क्योंकि सब लोगों को मालूम भी नहीं होता कि हरित का अर्थ जो होता है अगवा करना, और आलिया आली आलिका का मतलब होता है सहेलियां। तो जब भगवान शिव और पार्वती, पार्वती जी ने जब भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जो है ये व्रत रख रही थी, कठोर तपस्या कर रही थी, तो उनकी सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था, तो उस शब्द से जो है हरित तालिका जो है शब्द की उत्पत्ति हुई। जी, तो आज का दिन जो है वो बेहद खास है। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और रवि योग है, तो रवि योग का अर्थ होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उस योग के अंदर वो शुभ होता है। और आज गणेश स्थापना का भी दिन है, क्योंकि आज से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक जो है भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, और इसमें जो है माँ शिव और पार्वती जी की पूजा के अलावा जो है गणेश परिवार की पूजा का भी विधान है। कहते हैं शिव और शक्ति की पूजा तो करें ही करें, परंतु उनके परिवार की पूजा भी जरूर करें। जो महिलाएं सौभाग्यशाली हैं या जो स्त्रियां सौभाग्यवान हैं, तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए भी इस व्रत को किया जाता है, अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, और पिछले जन्मों के सभी पाप जो है नष्ट हो जाए इसलिए भी इस व्रत को किया जाता है। इसमें फल और जूस का प्रयोग करना चाहिए, लिक्विड जो है ज्यादा लें, और निर्जल रह करके
व्रत को रखा जाए तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत होता है उतना ही कठोर तपस्या वाला व्रत ये व्रत है। तो इसमें आखिरी में जो है फल का सेवन या जो है आप जो है निर्जल रह करके जूस इत्यादि लास्ट में पी सकते हैं, क्योंकि तीन तीजें आती हैं साल के अंदर। उसमें पहली जो है कजरी तीज होती है, हरियाली तीज होती है, फिर हरित कालिका तीज होती है। तो ये तीनों तीजों का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही भारी महत्व तो माना गया है। तो इनमें क्या है कि आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करें, और इन योगों में, क्योंकि इन योगों का फायदा भी तभी होगा जब आप जो है अध्यात्म के साथ जुड़े हैं, भगवान की भक्ति करें, भगवान शिव और पार्वती की उपासना करें, और उस उपासना में जो भगवान शिव को और पार्वती जी को जैसे वान्या जी ने बताया श्रृंगार अर्पित करें, क्योंकि शिव जी का और पार्वती जी का ग्रंथि बंधन जरूर करें। और अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, माँ को जो सिंदूर अर्पित करें और सिंदूर रख करके और भगवान शिव और पार्वती जी का ग्रंथि बंधन करें और लाल वस्त्र से जो है जोड़ें अगर लड़कियां हैं, और जिन लड़कों की नहीं हो रही तो वो भी जो है आज के दिन व्रत रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही रखें, लड़के भी इस व्रत को रख सकते हैं। और इस व्रत के रखने से जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा तो वो विवाह जो है अवश्य ही संभव हो जाता है। और माँ दुर्गा की आराधना करें, पार्वती की आराधना करें, मंत्रों का जाप करें, और अगर हो सके तो मंगला और गौरी का मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम देवी मंगल चंडी के होम होम फट स्वाहा, इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। और देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, इस मंत्र का कर सकते हैं। लड़के जो करना चाह रहे हैं वो ये मंत्र बोल सकते हैं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तांत सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर शुक्रोद भवाम, तो इन मंत्रों का प्रयोग करें। और आज का दिन बड़ा ही उत्तम है, गणेश जी का भी दिन है आज के दिन, गणेश स्थापना का भी दिन है, हरित तालिका तीज भी है, अमृत योग भी है, तो इन योगों का फायदा हम उठा सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, आज का दिन बेहद शुभ है, आज हरतालिका तीज भी है और गणेश चतुर्थी भी जो है वो शुरू हो रही है। और साथ ही साथ आपकी एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि ये व्रत सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी रख सकते हैं, जिस जिसको जीवन साथी जो अपना पाना चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी की जिसको चाह है तो वो लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं। लौटूंगी आपके पास। वान्या जी, आज का जो दिन है जैसा कि आपने बताया कि निर्जला व्रत जो है ये रखा जाता है, जो कि बहुत कठिन है, पूरा दिन बिना पानी के रहना बहुत कठिन होता है, और ठीक ऐसा ही व्रत जो है वो करवा चौथ का भी होता है, उस दिन भी सारी सुहागिने जो हैं सजती हैं सवरती हैं श्रृंगार करती हैं, और सेम वैसा ही व्रत ये हरतालिका तीज का भी होता है। तो इस व्रत में हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो दान करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही खास व्रत होता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में जो है हम अपने बड़ों को जो है सरगी देते हैं या कुछ भी गिफ्ट्स देते हैं या कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, इसी तरह हरतालिका तीज में भी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो है उसमें भी हम उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं, काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ सरगी टाइप्स आप कह सकते हो, वो हम देते हैं। वो चाहे हम श्रृंगार का सामान दे सकते हैं उनको, हम कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ फल दे सकते हैं, उसमें जो है कुछ मिठाइयां जो है वो भी हम उनको अर्पित कर सकते हैं, पैर छूके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आपके इन-लॉज हैं या फिर जो है पेरेंट्स हैं, कई जगह पैर छूने का कस्टम नहीं होता, बट आप ब्लेसिंग्स जो है उनकी जरूर ले सकते हैं। कोई भी जो फीमेल्स हैं, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो आपकी सास के समान है, उनका आशीर्वाद जो है आज के दिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जो ये व्रत है, क्योंकि ये निर्जला है, तो रात को भी अगर जितना आप थोड़ा सा माता पार्वती के भजन कर सकते हैं, रात को आप कीर्तन कर सकते हैं, रामचरित्र मानस में बाल कांड से शिव और पार्वती की जो विवाह की कथा है वो भी जो है आप पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और इनफैक्ट जिनके योग नहीं बन पा रहे हैं किसी भी रीजन से शादी के, वो योग भी जो है अपने आप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि संजय जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन और सिंदूर अर्पित करना, इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। पीले रंग का बहुत ज्यादा आज के दिन महत्व है। पीले रंग की जो आपने जैसे पूछा कि क्या दान कर सकते हैं, तो आप पीले रंग की मिठाई भी जो है अपने किसी बड़े बुजुर्ग या सासू माँ को जो है इन द फॉर्म ऑफ सरगी जो है वो दे सकते हैं, ताकि आपको उनसे एक आशीर्वाद मिले, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। एक ब्लेसिंग्स हमें हमेशा बड़ों की जो है वो काम आती हैं, तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी हमें उनका जो है ब्लेसिंग्स लेना। और कुछ मंत्र आप कर सकते हैं, जैसे ओम पार्वती पतिये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम ओम पार्वती पतिये नमः, ओम पार्वती नमः,
ओम पार्वतेय नमः और उसके बाद ओम नमः शिवाय त्रियंबकम मंत्र, ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके मेवे बंदनात् मृत्युर्मोक्षिमामृतात् नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर जो है आप जल जरूर चढ़ाएं, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, अदरवाइज आप मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं। गणेश चतुर्थी वाले दिन जो है, ये जो अभी गणेश उत्सव भी जो है शुरू होने वाला है, तो ये सारी चीजें जो है इन दिनों आपको पूरे गणेश परिवार की जो है जितनी ज्यादा आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और आज के दिन जो है ये व्रत पूरे श्रद्धा से आस्था से मन से करें। देखिए मैं ये मानती हूँ कि हर दिन जो है ना एक हरतालिका तीज होती है, आप लोग आपस में जो है सिर्फ एक ही दिन अच्छे से नहीं रहे, हर दिन अच्छे से रहे। हर दिन को जब हम एक फेस्टिवल मानते हैं ना तो लाइफ बहुत पॉजिटिव रहती है। तो आप हर दिन जब एक एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे, हर दिन जब आप एक कॉम्प्रोमाइज के साथ चलेंगे और एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बना के रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन हमारे जीवन में वो हरतालिका तीज है। हर जो है भगवान शिव का भी नाम है, इसलिए भी इसे हरतालिका तीज जरूर कहते हैं। तो जितना आप एक दूसरे के लिए, जैसे संजय जी ने भी बोला कि हस्बैंड्स भी इस फास्ट को कर सकते हैं या लड़के भी जिनकी मैरिज नहीं हो रही है वो भी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। तो जितना एक दूसरे को आप लोग वैल्यू करेंगे, एक दूसरे के थॉट्स को वैल्यू करेंगे, और अगर जो है जैसे एक माँ पार्वती और भगवान शिव, अगर आप एक दूसरे में उनका रूप देखते हैं तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जो है, अगर छोटी मोटी नोकझोंक भी है तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिव लगेगी। तो अपने एक रिलेशनशिप को हर दिन अच्छा बनाएं, हर दिन को आप हरतालिका तीज बन के एक अच्छी मैरिड लाइफ। बिल्कुल वाना जी, बेहद खूबसूरत बात कही आपने कि जो शिव और पार्वती हैं, आज जैसा कि महाकाल से भी हम सुबह सुबह तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से तस्वीरें आ रही हैं, बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। महाकाल में अर्धनारी रूप में भगवान को सजाया गया है, आधे शिव और आधे शक्ति, तो दोनों को मिलाकर जो श्रृंगार हुआ है वो बेहद खूबसूरत है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसी पर संजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि जो पूजा का समय है, सही समय क्या है, और जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, खासकर की जो लड़कियां ऑफिस जा रही हैं या जो लड़के ऑफिस जा रहे हैं, वो इस व्रत को कैसे करें, किस समय पर पूजा करें, क्योंकि उन्हें समय जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है कि जो उचित समय होगा उस पर पूजा करना, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो इसमें जो है सिंदूर लगाने का जो सुहागन स्त्रियां हैं, आप देखें नाक से लेकर के और मस्तिष्क पर सिंदूर लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं शुक्र और मंगल का मिलन, क्योंकि नाक को शुक्र का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर को मंगल का, और जो हमारी मांग होती है मंगल कारी होती है, सौभाग्यकारी होती है, तो इसलिए जो सिंदूर है वो भी नाक से लेकर के और माथे पर लगाया जाता है। तो दूसरी बात, आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया कि जो पूजा किस वक्त करनी चाहिए। इसमें पूजा का विधान जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:01 से लेकर और 8:31 तक का है। उसके अलावा निशा रात्रि में भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप जब घर पर आ जाए तो रात को भी इसमें पूजा की जा सकती है, और इसमें गंगा जल लेकर के और ऋतु जल लेकर के भगवान शिव और पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं और उनको फलाहार का भोग लगा सकते हैं, और उसके पश्चात आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें मंत्रों के अलावा आप अपनी श्रद्धा और भक्ति से पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, और भगवान शंकर को जो है चावल और पीले चावल करके और लाल चावल करके भी अर्पित किया जा सकता है। अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, कि लाल पुष्प भगवान शिव को जो है आज के दिन अगर सुहागन स्त्री है। जी संजय जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो वान्या जी, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, वो दूध दही शहद गंगाजल पंचामृत बहुत पसंद है, तो वही जी नेटवर्क इशू है, लौटूंगी आपके पास संजय जी। और वाने जी, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं कि आज का दिन जो है वो शुभ है, लेकिन जो समय है उसकी जो हम बात करें, तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि समय उनके साथ जो है फिट नहीं बैठता, तो ऐसे में हम क्या करें, आपसे जानना चाहूंगी।
बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो भी वर्किंग क्लास है, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अपने मन में उन मंत्रों को चैंट कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जो है, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक करके भी उनकी जो है आरती कथा या ऑनलाइन भी कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आपको समय परमिट करता है तो। और अगर नहीं करता है तो आप घर आके जो है अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज करके आराम से एक रेस्टिंग पोजीशन में बैठ के, तो वहां पर जो है आप माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रामचरितमानस में जो उनकी जो कथा है वो कथा जो है आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर जो है ना हमारी आस्था को देखता है, तो कर्म भी एक पूजा ही है। तो अगर आपके ऑफिशियल कंडीशंस आपको नहीं परमिट करते हैं, देखिए वैसे तो सबसे पहली बात है कि आप मुहूर्त के टाइम को फॉलो करें, बट ड्यू टू एनी एक्स वाई जी रीजन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर जो है आप घर आके जैसे निशा रात्रि में, अर्धरात्रि में आप रात भर आप माता पार्वती का भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप करें। और उसके अलावा जैसे उनको जो भी आपके घर का मंदिर है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर है, पूरा शिव परिवार है, वहां पर आप एक दीपक जला दें। दिया जो होता है हमारे जीवन से जो है अंधकार को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है। तो आप जैसे उनके आगे दिया जलाएं और जमीन पर जो है एक आसन बिछा के आप उस पर बैठ जाएं और उन पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एक लोटा ले लें, उस लोटे के ऊपर एक आपने एक दिया रख दिया और जब आप जाप कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए, जैसे आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं सपोज, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप जो है ध्यान पूरा उस दिए की लौ पे लगाइए। जब आप उस दिए की लौ पर ध्यान लगाएंगे और पूरा जाप करेंगे, बाद में जो है क्योंकि ये व्रत तो निर्जला है, बट अदरवाइज आप जो है बाद में उस जल को पी सकते हैं, बट यहाँ पर आपने अभी नहीं पीना, आपका व्रत टूट जाएगा क्योंकि निर्जला व्रत है। लेकिन आप ऐसे ध्यान लगा सकते हैं और जो है आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं, भगवान शिव पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान शिव के जो है आप भजन सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और आपने ये हर बार विजुअलाइज करना है, जब भी आप जैसे अगर आप लेट नाइट उनको कर रहे हैं तो आपने ये विजुअलाइज करना है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको ये विजुअलाइज करना है कि मतलब खुद को एक मैरिड सिंबल्स में जो है आप देख सकते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी लाइफ में एक अच्छा हस्बैंड आ चुका है। और जो है मेल्स भी हैं, अगर आप लोग ये फास्टिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को आप एडवांस में माँ गौरा को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू हमारी एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए या हमारी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। तो वो भी चीजें आप जो है कर सकते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाइए। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तैयार तो आप हो ही सकते हैं। आज के दिन अगर आप कुछ ग्रीन कलर पहनते हैं तो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। और जो है फूलों की अगर मैं बात करती हूँ या मिठाई की बात करती हूँ, तो घर आके भी आप थोड़ा सा कुछ पीला बना सकते हैं, पीले चावल आप बना लो या फिर कुछ भी पीली मिठाई अगर आपको आती है बनानी, नहीं बना सकते नहीं है टाइम तो बाहर से जाके कुछ ले लो, येलो कलर के कोई भी मिठाई, पीले फूल जो है वो आप कहीं से अगर अरेंज कर सकते हैं तो करें, भगवान शिव को पीले फूल जो है बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजों से जो है ईश्वर सिर्फ हमारी आस्था को देखता है, मैं हमेशा इसी चीज को बोलती हूँ। तो आप काम आपकी पूजा है, अपने कर्म को आप कभी मत त्यागिए, कर्म भी हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल वाना जी, कर्म ही पूजा है। और बेहद खूबसूरती से वाना जी ने मुझे लगता है सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं, और हरे रंग की वाना जी ने बात कही तो शायद वाना जी ने भी आज इसीलिए हरा रंग पहना है और वो बेहद खूबसूरत भी लग रही है। वाना जी, आपके सवालों से ना काफी लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो गए, और मेरे स्पेशली जो मेरे कुलीग्स हैं उनके कन्फ्यूजन दूर हो गए, क्योंकि जो व्रत लेकर आए हैं, जो पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स भी होती हैं, दिन की भी होती हैं, तो उनके कन्फ्यूजन्स काफी हद तक क्लियर हो गए हैं। संजय जी, नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो गई है, तो आपके पास फिर से आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज जो रवि योग बन रहा है साथ ही साथ हस्त और चित्रा योग भी बन रहा है, तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउडली। संजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। तो रवि योग की आपने बात बताई और आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो साथ ही साथ आज हस्त योग और चित्रा योग भी बन रहे हैं, तो इन योगों के बारे में भी, क्योंकि हाँ, आज काफी सारे योग बन रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हस्त ना नक्षत्र है, एक्चुअली हस्त योग नहीं बन रहा, हस्त नक्षत्र है। और शुक्ल योग, अमृत योग, गर योग और रवि योग, ये सारे योग है। इन योगों में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है उसमें स्टेबिलिटी होती है, हमारे को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और इन योगों में जो भी पूजा पाठ हम व्रत रखते हैं
उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिस फल का कभी भी क्षय ना हो उस फल की प्राप्ति होती है। तो जीवन क्या है कि जीवन के आनंद के लिए, गृहस्थी आश्रम के लिए यह व्रत अगर किया जाए, और जैसे वान्या जी ने भी कहा ग्रीन रंग का प्रयोग आपने बोला, तो ग्रीन रंग की अगर चूड़ियां पहनी जाए, ग्रीन रंग का वस्त्र पहना जाए, क्योंकि ये हरित हरियाली तीज जैसे होती है वैसे ही हरितालिका, क्योंकि इस वक्त जो है सावन के बाद जैसी भाद्रपद लगता है तो पूरी प्रकृति जो है वो ग्रीन हो जाती है, हरिमय हो जाती है। तो इसमें अगर आप इन योगों में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, कोई भी व्रत का संकल्प लेते हैं, जो भी अपने मन के अंदर साधना करके धारण कर लेते हैं कि मुझे ये चीज की प्राप्ति करनी है, तो वो सारे के सारे योगों, इन योगों में हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है, और जैसी हमारी मनसा रहती है वैसे ही हमारे को उस प्रकार की सिद्धि मिलती है, और अपने कहते हैं कि हम वंसा मनसा वाचा और कर्मणा सब रूप से पवित्र रह करके और अपने आप को जो है संयोग करें, और आज जो ये हरितालिका तीज है उसपे संकल्प भी ले सकते हैं कि हमें इस प्रकार से जो है पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन के सभी पाप मुक्त हो जाएं और हम जो है भगवान के प्रति लीनता हमारे मन में आ जाए, और लीन होकर के परमात्मा का ध्यान करें, व्रत करें, जप करें, तप करें, और ऐसे संयोगों में, ऐसे शुक्ल योगों में, शुक्ल का अर्थ होता है सफेद अर्थात उजला, तो हमारा जीवन जो उजला हो जाए, हम अच्छे हो जाए। जी संजय जी, तो आज का दिन जो है आपको भक्ति में लीन होना है, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आज के जो शुभ संयोग बन रहे हैं उनकी भी क्या महत्वता है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वान्या जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों को एक बार फिर से हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई, और हमारे तमाम दर्शकों को भी हरतालिका तीज की बधाई, और इसी के साथ विदा लेते हैं। जीएनटी स्पेशल पर आप बने रहिए क्योंकि गुड न्यूज यहाँ पर लगातार चल रही है।